आज हम बात करेंगे सीवी की कॉमन एरर्स के बारे में, कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी करते हैं डेली रूटीन में। अब हम इसमें आपको मैं सीवी में बताता हूँ जो जो कॉमन एरर्स हैं क्या क्या हो सकती हैं, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सीवी में जैसे एरर हो सकती है आपकी ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए सीवी में। उसके बाद आपका होगा आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई एम्प्लॉयमेंट में गैप है तो गैप आप दिखाओ, ऐसा नहीं कि आपने वो गैप हाइड कर लिया, क्योंकि कभी ना कभी जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होगा, और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन के टाइम पे आप अगले अगर कोई गैप दिखाया है तो वो पकड़ा जाता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में भी पकड़ा जा सकता है। तो अगर आप पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि यू आर नॉट वर्किंग, अगर आपकी कंपनी जो भी आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का स्टेटस रहा है, वो कंपनी बंद हो गई है, वो अभी वर्किंग कंडीशन में है, जो भी हुआ है, वो आपको प्रॉपर सीवी में डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरा, ऐसे कोई भी कीवर्ड ना अपने सीवी में डालें या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना डालें जिसका आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्लू ही ना हो। मान लो आपने वो डाल तो दिया कोई भी सब्जेक्ट और आपको उसके बारे में नहीं पता, तो अगर रिक्रूटर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। और लाइक शेयर तो बिल्कुल करें, ठीक है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।